अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कमरान और आप देख रहे हैं अवान टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं चित्राल में और अभी गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है और चित्राल में अभी सीज़न शुरू हो चुका है टूरिस्ट के आने का। तो आज मैं आपको विज़िट कराने जा रहा हूं पामीर होटल का, जो कि चित्राल का सबसे मशहूर होटल। वैसे तो चित्राल में बहुत सारे होटल्स हैं, लेकिन हर होटल की अपनी अपनी खसूसियात हैं। पामीर होटल की भी बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ की लोकेशन अच्छी है। पामीर होटल दरिया के किनारे पे वाक़ है और यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं, जो अगर आप लंबा सफ़र करके आए हैं कहीं दूर से, तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी, आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून है, कोई इतना शोर शराबा नहीं है। पामीर होटल जो कि चित्राल का मशहूर होटल है, यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनको हर तरह की सहूलत फ्राहम की जाती है। ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच भी दिया जाता है। यहाँ पर टोटल 16 रूम्स हैं, जिनमें से 12 जो है डबल बेड रूम्स हैं और 4 जो हैं सिंगल बेडरूम्स हैं। तो उनके बारे में हम तनवीर अहमद से जानेंगे, जो कि रिसेप्शनिस्ट हैं पामीर होटल के। तमाम तर जितनी भी जो टूरिस्ट आते हैं उनके रूम की बुकिंग वगैरह, उनको डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट देना, और तमाम तर जिम्मेदारियाँ तनवीर अहमद साहब संभालते हैं। इनसे जानेंगे कि जो टूरिस्ट आते हैं उनको क्या क्या सहूलियात फ्राहम की जाती हैं, तो कौन सी जगह हैं चित्राल में जिनका विज़िट करना चाहिए। पामीर होटल के बारे में मैं आपको बता चलूँ कि ये शाही किले और शाही मस्जिद के बिल्कुल करीब वाक़ है। यहाँ पर करीब करीब चित्राल की फेमस प्लेसेस हैं जिनका आप विज़िट कर सकते हैं, जैसे कि चित्राल म्यूज़ियम हो गया, शाही फोर्ट हो गया, शाही मस्जिद, और इसके अलावा और कौन कौन सी जगह हैं वो तनवीर अहमद हमें बताएंगे। तो सबसे पहले तनवीर अहमद साहब हमें ये बताएं, पामीर होटल जो कि बहुत ही खूबसूरत है, इसकी लोकेशन बहुत खूबसूरत है। शाम के वक्त यहाँ पर बैठ के आप दरिया के नज़ारे भी कर सकते हैं, साथ में बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं यहाँ पर, तो गर्मियों में बहुत अच्छा वेदर होता है यहाँ का। तो यहाँ पर टूरिस्ट को आप सबसे पहले ये बताएँ कि वो बुकिंग कैसे कर सकते हैं, बुकिंग करवाने का तरीक़ेकार क्या है, ऑनलाइन बुकिंग कैसे करवा सकते हैं वो। जी सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, यहाँ पे बुकिंग का जो है सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे हम बुकिंग लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हम थ्रू ईमेल के ज़रिए भी हम बुकिंग लेते हैं, थ्रू व्हाट्सएप के ज़रिए भी लेते हैं। हमारा booking.com में भी हमारा जो है वो सिस्टम मौजूद है बुकिंग के लिए, और ट्रिप एडवाइज़र वगैरह जितने भी जो है टूरिज़म से रिलेटेड प्लेटफॉर्म से वहाँ से हम जो है ना बुकिंग लेते हैं। हमारे अक्सर ज़्यादातर बुकिंग जो होते हैं ईमेल के ज़रिए हम बुकिंग करते हैं, तो जो हमें ईमेल रिसीव होता है बुकिंग का, हम उसका कन्फर्मेशन जो है भेज देते हैं, तो हम इसी तरह से जो है बुकिंग कंफर्म करते हैं। तो फैमिली के साथ भी अगर आप आए हैं, या दोस्तों के साथ आए हैं, या इवन आप अकेले भी आए हैं, तो यहाँ पे आके आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। तो ये आपने बुकिंग का बता दिया कि बुकिंग कैसे करते हैं। अब हमें ये बताएं कि लंच, ब्रेकफास्ट और जो डिनर है वो भी आप जो है उनसे इकट्ठे चार्ज लेते हैं या अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर करवाते हैं, ये प्रोसेस कैसे होता है खाने का। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है जो भी गेस्ट हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास जो है इंडोर डाइनिंग हॉल सेटअप है, तो सबसे पहले हम गेस्ट से ऑर्डर ले लेते हैं, उनके ऑर्डर के मुताबिक जो वो खाना पसंद करे उसी के मुताबिक जो है उसके लिए हम यहाँ पर फूड प्रपेयर करते हैं। ब्रेकफास्ट भी यहाँ पर मिलता है, लंच भी और डिनर भी, एनी टाइम हमारे जो है इंडोर डाइनिंग हॉल में हम अपने गेस्ट को प्रोवाइड करते हैं। तो अभी यहाँ पर पामीर होटल ख़ुद अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो के यहाँ पे अगर टूरिस्ट आता है तो यहाँ पे नज़दीक नज़दीक कौन सी ऐसी फेमस प्लेसेस हैं चित्राल की जिनका विज़िट कर सकता है, या दूर यहाँ से जो अपर चित्राल में जो दूर प्लेसेस हैं उनको थोड़ा मेंशन कर दें ताकि थोड़ा आसानी हो सके टूरिस्ट को। जी जी बिल्कुल भाई, यहाँ पे सबसे नज़दीक प्लेस जो आपको पता है चित्राल फोर्ट के बिल्कुल साथ ही मौजूद है पामीर होटल। तो सबसे पहले टूरिस्ट के लिए प्लस पॉइंट ये है कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आता है वो ईज़िली जो है चित्राल फोर्ट का विज़िट इसके साथ साथ कर सकता है। उसके साथ ही जो है यहाँ पर शाही मस्जिद है, जिस तरह आपने बताया चित्राल का लोकल जो मार्केट है, और म्यूज़ियम है, चित्राल पोलो ग्राउंड है, ये फेमस प्लेस जो है बिल्कुल यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे बंदा चित्राल में टूरिस्ट जहाँ पे भी जाना चाहे, चित्राल का मशहूर जो कैलाश कम्युनिटी है, कैलाश वैली है, वहाँ पर जाना चाहे, चित्राल गोल नेशनल पार्क, गोलेन वैली, यहाँ पर हॉट स्प्रिंग गर्म चश्मा वैली, जहाँ पर भी जाना चाहे हम उनको जो है 4x4 जीप और गाइड, लोकल गाइड जो जिनको चाहिए होगा वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, जो है 4x4 जीप भी प्रोवाइड करते हैं, लैंड क्रूजर जिस तरह की भी व्हीकल चाहिए होगी और चित्राल के जहाँ जहाँ के लिए भी चाहिए होगी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो शंदोर भी अगर वो जाना चाहें या चित्राल जिस जगह में जाना चाहें, तो आप कौन कौन सी गाड़ी जो है उनको प्रोवाइड करते हैं।
जी बिल्कुल, शंदूर हो चाहे वो करम्बर लेक हो चाहे वो जो भी हो, हम उनके लिए जो है शंदूर और ये करम्बर लेक वगैरह ये पहाड़ी इलाके हैं, इनके लिए तो यहाँ पे 4x4 व्हीकल्स जाते हैं, तो उनके लिए हम उसके मुताबिक जो है डिस्टिनेशन के मुताबिक तो उनके लिए व्हीकल मुहैया करते हैं। ड्राइवर आपका होता है या ड्राइव वो खुद करके लेके जाएंगे? नहीं, ड्राइवर भी हमारा अपना होता है और गाइड भी वही ड्राइवर करता है, या एक्स्ट्रा गाइड भी दे देते हैं और उसके जो है ना हम चार्ज करते हैं। तो यानी कि कौन कौन सी जगह जानी है, कौन कौन किस रास्ते से आसानी से पहुंचा जा सकता है, ये आपके ड्राइवर में हाल से बखूबी जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो ट्रेन ड्राइवर होता है और टूरिस्ट के साथ जो है उसका एक्सपीरियंस ड्राइवर हमारे पास हैं, तो वो लेके उनको मुकम्मल जिम्मेदारी से वो घुमा के जो है वो फिर वापस हमारे होटल तक पहुँचा देता है। तो अगर फैमिली के साथ कोई बंदा या दोस्तों के साथ है या अकेला भी आए, तो कितने दिन का वो प्लान बना के आए तो वो पूरे चित्राल में जितनी भी फेमस प्लेस हैं उनको विजिट कर सकता है? जैसा कि आपको पता है चित्राल में तो टूरिस्ट स्पॉट्स की कोई हद नहीं है, तो यहाँ पे जो फेमस स्पॉट्स हैं उनके लिए तकरीबन 4 से 5 दिन होना लाजमी है, बाकी तो यहाँ पे बंदे के लिए इतना जो टाइम जो है टूरिस्ट के पास नहीं होता, कोई 1-2 दिन के लिए आते हैं। फिर भी यहाँ के कैलाश कम्युनिटी, कैलाश वैली जो है, घाट स्पिन, गर्म चश्मा जो है, ये जो है फेमस प्लेसेस हैं, ये तो हर कोई विजिट करता है। बाकी जो है चित्राल के लिए 6 से 7 दिन का प्लान होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है पॉइंट्स टूरिस्ट से रह जाते हैं, तो 6 से 7 दिन में जो चित्राल कवर हो सकता है। तो जैसे हमने आपका डाइनिंग हॉल देखा, बड़ा ज़बरदस्त आपने सेटअप किया हुआ उसका, तो लंच ब्रेकफास्ट जो डिनर होता है वो डाइनिंग हॉल में दिया जाता है या रूम्स में भी उनको प्रोवाइड करते हैं? जी बिल्कुल, एक्चुअली जो है हमारे पॉलिसी के मुताबिक जो है हम लंच डिनर और ब्रेकफास्ट जो है डाइनिंग हॉल में ही प्रोवाइड करते हैं, डाइनिंग हॉल में सर्व करते हैं, क्योंकि डाइनिंग हॉल जो है हमारा किचन के साथ भी अटैच है, डाइनिंग हॉल सेटअप है हमारा वहाँ पर करते हैं, बाकी स्पेशल केस में हम रूम में भी हम जो है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्रोवाइड करते हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस रूम हमने आपका देखा जैसे कि, तो यहाँ पे शादी ब्याह के लिए जो अरेंजमेंट्स खाने के वो भी तकरीबात का इंतज़ाम भी किया जाता है, उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? जी बिल्कुल, हमारे पास जो है एक कॉन्फ्रेंस रूम भी मौजूद है जहाँ 100 से 150 तक जो है सिटिंग कैपेसिटी है, जहाँ पे यहाँ के जो है वर्कशॉप्स भी होते हैं, बर्थडे पार्टी जो है उनको भी हम एक्सेप्ट करते हैं, और जो वेडिंग सेरेमनीज भी होती हैं वो भी हम ले लेते हैं, जो तो है उसके लिए भी हमें बुकिंग करना होता है 10 से 15 दिन पहले हमें बुकिंग करके, तो उसी के मुताबिक जो है यहाँ पर हम उनके लिए भी अरेंज करते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट का भी काफ़ी फ्लो है चित्राल में, तो यहाँ आके तो आपको पता है यहाँ के मौसम, यहाँ के लोग और यहाँ के जो है चित्राल में एक टूरिस्ट को एक नेचर मिलता है, तो यहाँ आके इंटरनेशनल टूरिस्ट भी इंतहाई जो है खुशी का इजहार करते हैं यहाँ पे। तो जी नाज़रीन, आपने तमाम तर जो तफसीलात हैं वो पामीर होटल के बारे में जानी है, अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो अभी बुकिंग करवाएं, क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट हो चुका है और पामीर होटल से बेस्ट होटल आई डोंट थिंक सो कि आपको चित्राल में कोई मिलेगा। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, उसके अलावा इनकी ई मेल, फेसबुक जो आई डी है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके अलावा आपको मैंशन भी वीडियो के ऊपर कर दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर फ़ौरन बुकिंग करें। तो आखिर में एक बात हमें ये बताएं, अगर यहाँ पे कोई ज़्यादा दिन स्टे ना करना चाहिए, वैसे आए यहाँ पे चाय वगैरह पीना चाहे, खाना के यहाँ पे अगर वगैरह पिक्चर्स वगैरह लेना चाहे थोड़ी सी, तो उसके लिए कोई मान्यता तो नहीं है किसी किस्म की? नहीं नहीं बिल्कुल, एक्चुअली जो है यहाँ पे जब हमारे गेस्ट जो है जब फुल होते हैं, कोई फैमिलीज होते हैं उस दौरान जो है हम किसी को यहाँ पे नहीं छोड़ते, क्योंकि यहाँ पे जो है फैमिलीज यहाँ पे रूम लेके यहाँ पे उनका जो है उनको डिस्टर्बेंस होता है, तो उसके अलावा जो भी यहाँ पे आए खाना चाहे या घूमना चाहे तो बिल्कुल ही उसके लिए ओपन है, यहाँ पर आ सकते हैं, जो है फोटोग्राफीज करना चाहे या चाय वगैरह पीना चाहे, उनके लिए बिल्कुल यहाँ पर हाजिर है। पामीर होटल में आप जब भी आएँगे तो यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट हैं, जो यहाँ के स्टाफ है, वो आपको मोस्ट वेलकम करते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी, यहाँ पे इस वक्त सीज़न है तो इस वजह से यहाँ पे आके आप जो है बुकिंग नहीं करवा सकेंगे, अगर आप पहले से ही बुकिंग करवा लेंगे तो आपके लिए ये ज़्यादा बेटर होगा। तो आज तक के लिए इतना ही, होप कि आपने यहाँ के चित्राल में जो पामीर होटल है उसका जो विज़िट है वो बहुत ही इंजॉय किया होगा, तो फिर मिलेंगे आपको फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, आज तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद कामरान को इजाज़त पामीर होटल से, अल्लाह हाफिज़।